दोस्तों आप सभी का पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 की नई लिस्ट जो है अपडेट कर दी गई है। तो दोस्तों किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर इस लिस्ट के अंतर्गत जिन जिन किसान भाइयों का नाम है उन सभी किसानों को 6,000 रुपये जो है 3 किस्तों के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको 100% पैसे मिलेंगे और आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो किस्तें जो है 3 किस्तों के रूप में 2,000 रुपये के रूप में 6,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी वो लिस्ट है और उस लिस्ट में किस प्रकार से आप अपना नाम जो है अपने मोबाइल फ़ोन पर घर बैठे आराम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लिस्ट जो है अभी अपडेट की गई है जिसके तहत आप अपने गांव की लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत। और उस लिस्ट में जिन जिन किसान भाइयों का नाम है उन सभी किसानों को यहां पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराने वाली है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना, किसी भी बिंदु पर आप वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, अन्यथा कुछ भी समझ में आपके नहीं आएगा। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूंगा, ऐसे ही गवर्नमेंट की योजनाओं से संबंधित वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी जानना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ना है। इसके साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब के राइट साइड में या बगल में इस तरीके से आपको एक बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। इससे दोस्तों आपको ये बेनिफिट होगा जैसे ही कोई भी गवर्नमेंट की बड़ी अपडेट या गवर्नमेंट की योजना हमारे सामने निकल के आती है उसकी जानकारी आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख पाएंगे और वो जानकारी आप सबसे पहले फ्री में प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों मिलने वालों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानकारी देख पाएँ। तो दोस्तों मैं किसानों के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट की योजनाओं के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा वो तरीका है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त के वो जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अपना नाम चेक कर पाएंगे और किस प्रकार से आप पैसे जो है प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों किस्तों के बारे में भी आप किस प्रकार से देख पाएंगे कि आपको कौन कौन सी किस्त मिली है, कब कब मिली है, ताकि जब आप पैसे लेने जाएँ तो बैंक में किसी भी प्रकार की आपसे आनाकानी न कर पाए। और दोस्तों इसी के साथ एक नया फीचर भी अपडेट किया है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, जिसके अंतर्गत आप जो है CSC सेंटर के ऊपर जाके आप अपने आवेदन में जो भी त्रुटि है जिसके कारण आपको अभी तक पैसे से वंचित रखा गया है आप उन त्रुटियों को आराम से ठीक करवा सकते हैं, जो भी करेक्शन है वो आप करवा सकते हैं और पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लिस्ट आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। तो आप जैसे ही किसी भी जौन सा भी ब्राउज़र आप यूज करते हो उस ब्राउज़र के न्यू पेज के अंतर्गत आपको इस तरीके से आपको गूगल का न्यू पेज ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको एक साइट मैप बता रहा हूँ pmkisan.gov.in, ये साइट आपको टाइप करनी है। जैसे आप ये साइट टाइप करोगे pmkisan.gov.in तो इस तरीके से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मेन साइट के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे ये जो ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है इसमें व्हाइट कलर के काफ़ी ऑप्शन आपके सामने से होंगे। सब कुछ मैं मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत बिल्कुल लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ तो आप मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत ये सारा सिस्टम कर सकते हैं। चाहे आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप उनमें भी आराम से कर सकते हैं। तो हम बात करें तो उसके बाद ऑप्शन देख सकते हैं होम अबाउट स्कीम रिपोर्ट गाइडलाइंस, इस तरीके से काफ़ी ऑप्शन आपके सामने से हो रहे होंगे। तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फार्मर कॉर्नर के नाम से, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से 3 ऑप्शन और ओपन होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से नए किसान जो है इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इसकी कोई भी अंतिम तिथि नहीं है, कोई भी लास्ट तारीख इसकी नहीं रखी गई है, आप अभी भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दूसरा है एडिट आधार फीचर रिकॉर्ड, यानी कि आधार कार्ड में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी त्रुटियां हैं, वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बेनिफिशियरी स्टेटस, यहाँ से आप अपनी किस्तों की डिटेल देख सकते हैं, अपने अकाउंट की स्थिति देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में क्या करेक्शन है, किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और किस कारण से आपको पैसा नहीं मिला है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप अपनी किस्तों की डिटेल देख सकते हैं कि आपको कितनी किस्तें मिल चुकी हैं, बाकी की किस्तें कब मिलेंगी। इन चारों ही टॉपिकों के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ऑल सरकारी योजनाओं के नाम से प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे तो उसमें से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिशियरी लिस्ट, यानी कि अपने गांव की लिस्ट आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। ये ऑप्शन अभी ऐड किया गया है जिसके तहत आप अपने गाँव के अंतर्गत जिन भी लोगों ने इसके लिए आवेदन कर रखा है उनमें अपना नाम चेक कर सकते हैं, और अगर उसमें आपका नाम है तो आपको 100% पैसे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बेनिफिशियरी रिपोर्ट के नाम से इस तरीके से एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, बेनिफिशियरी लिस्ट अंडर किसान, इस तरीके से आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी है, सबमिट करनी है। तो पहला ऑप्शन आ रहा है स्टेट, यहाँ पे आपको अपना स्टेट, अपना राज्य जो है सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट, इसके अंतर्गत आप अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना जिला जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन आ रहा है सब डिस्ट्रिक्ट, इसके अंतर्गत आप अपना जो तहसील है वो आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे, और ब्लॉक के अंतर्गत भी आपको अपना ब्लॉक या अपनी तहसील जो है सेलेक्ट करनी है। और पांचों और अंतिम ऑप्शन आ रहा है विलेज, यहां पे अपना गांव जो है आपको सेलेक्ट करना है। ये पांचों ही चीज़ भरने के बाद आपको यहां पे गेट डाटा के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्टेट को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, तो मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैं राजस्थान के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ समय के लिए पेज जो है रिफ्रेश होगा। जो स्टेट आपने सेलेक्ट किया है उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट आपके सामने कुछ ही समय बाद शो होंगे। इस तरीके से एक दो सेकंड आपके सामने प्रोसेस चलेगी, अगर नेट स्पीड ठीक है तो प्रोसेस नहीं भी हो सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम आपको शो हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक पेज रिफ्रेश होता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके की टॉपिक से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ ताकि किसानों की सहायता मैं कर पाऊँ। तो अगर आप भी किसान हैं और आप चाहते हैं कि फ्री में आप इस तरीके की गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी मोबाइल फ़ोन से देख पाएँ, मोबाइल फ़ोन से सब कुछ कर पाएँ घर बैठे, तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जो अपना विलेज, वो सॉरी दोस्तों जो अपना ज़िला है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ राजस्थान का, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ दोस्तों अलवर। यहाँ पे मैं अलवर नहीं, अलवर का मैं बता चुका हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जो है जोधपुर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों जोधपुर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा आपको सब डिस्ट्रिक्ट, इसके अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से पेज रिफ्रेश होने के बाद। तो आपको यहाँ पर एक सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, बिलारा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, ब्लॉक के अंतर्गत आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक तहसील सेलेक्ट कर ले रहा हूँ शेखाला, यहाँ पे तहसील जो है मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद शेखाला जो तहसील सेलेक्ट की है उसके जितने भी गाँव हैं सभी विलेज यहाँ पे से होंगे। तो उसके बाद मैं एक विलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो एक विलेज यहाँ पे बीरावास है, ये विलेज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा स्टेट, यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक तहसील, उसके बाद विलेज गांव। ये पांचों सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे गेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने पेज इस तरीके से रिफ्रेश होगा, और इस विलेज के अंतर्गत इस गाँव के जितने भी किसानों ने इसके लिए आवेदन किया है उनकी सभी की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आ चुकी है। तो मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन आ रहा है सीरियल नंबर, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है फार्मर नेम, और उसके बाद ऑप्शन आ रहा है जेंडर यानी कि मेल फीमेल। तो आप यहां पे देख सकते हैं अगर इस लिस्ट में आपका नाम है दोस्तों तो 100% आपको यहां पे पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 50 कैंडिडेट्स के नाम से हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका नाम ना मिले तो आप यहाँ पे पेज देख सकते हैं, पेज संख्या 1 से 6 तक है। तो आप सेकंड पेज में देख सकते हैं 3rd, 4th, 5th, 6th, इस तरीके से आप नेक्स्ट पेज जो है सेलेक्ट करके आप उनमें आराम से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो दोस्तों आपको 100% पैसे मिलेंगे।
उसके बाद इस तरीके से आप जैसे ही नेक्स्ट पेज सेलेक्ट करोगे तो पेज रिफ्रेश होगा और नेक्स्ट पेज आपके सामने से हो जाएगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की एनी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। ये 6 पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, 277 यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप लिस्ट के अंतर्गत अपना नाम जो है चेक कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंतर्गत F3 दबा के या अपना नाम जो है फाइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे आराम से इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। ये आपके गांव की लिस्ट है जिन्होंने इस योजना के लिए अप्लाई किया है और जिनका फॉर्म अप्रूव हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, उनको पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो मैंने जैसा कि वीडियो के फर्स्ट में बताया था, अगर आप इन टॉपिकों के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें नया, कैसे आधार कार्ड में परिवर्तन करें, कैसे किस्तों के बारे में, अकाउंट के बारे में स्थिति चेक करें, इसके बारे में मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया है। बेनिफिशियरी लिस्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक ही वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आप इन तीनों टॉपिकों के बारे में फिर से वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं टॉपिक के ऊपर बना के आपको जानकारी बता सकूँ इसी तरीके से। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, बिल्कुल वीडियो में आपके समझ में आया है, तो आप इस वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं कि आपको जानकारी कितनी पसंद आई है, और कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करें। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के और दोस्तों बेल के आइकन या घंटे के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नलटेस और ताज़ा जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।